कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई की शॉप पर, मुझे कुछ काम कराना है अपनी बाइक में। तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्या काम करवाना है मुझे अपने बाइक में। बहुत लूज हो गए, कभी झटके आते हैं तो मिरर्स हिल जाते हैं दोनों के दोनों। तो ये ठीक कराना है मुझे। और जो इसका जो अटैचमेंट है, ये इसका एक नट लूज हो गया है, वो भी ठीक कराना है मुझे, वो भी ठीक कराऊँगा अभी जाके मैं। और इसके ब्रेक्स बहुत लूज हो रहे हैं, ब्रेक्स टाइट कराऊँगा इसके में। और इसमें ना थोड़े साउंड से आ रही है, इसमें थोड़ा क्रैक्स आया है रबड़ में, तो मैं इसे भी शायद हो सकता है मैं चेंज कराऊँ। तो ये आ रहा है, इसमें एक एरर ये भी आ रहा है, चलते चलते पावर ड्रॉप हो रही है इसकी। इसको मैं वीडियो कंपनी को भी भेजूँगा, जो साउंड काफ़ी आ रही है इसमें, जैसे सुन सकते किच 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 की बहुत काफ़ी साउंड आ रही है इसमें ना, किच 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 काफ़ी साउंड आ रही है। इसे भी ठीक कराना है, दोबारा पावर ड्रॉप ना हो। देखो फिर से एरर आ गया, इसमें पावर ड्रॉप हो रही है, एरर 0.2। फिर से आगे पावर बढ़िया बड़ी दिक्कत कर रही है आज कंपनी वालों को, मैं वीडियो भेजूंगा इसका। चलो चलते हैं अभी। पहुँच चुका हूँ भाई की शॉप पर, भाई की शॉप पर पहुँच चुका हूँ मैं अपनी। भाई को बुलाते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या है काम होना। इस आप ठीक कर रहे हैं दीपक भैया, सब कर रहे हैं ब्रेक्स की, ब्रेक ठीक ब्रेक टाइट हो रहा है। ये अटैचमेंट है ना इसके, एक ये वाला नीचे वाला नट ढीला हो गया, ये वाला हाँ, ये वाला उसको पकड़ो ना तो दिख जाएगा आपको। हाँ पकड़ो, ये हिलेगा तो वही हिलेगा ना, ये दो नट ढीले हुए हैं इसके, ये वाला नहीं वाले अंदर वाले, ये इस साइड वाला ढीला हो गया, पहले वाला ढीला है, ढीला हो गया, ठीक है। अपने बाइक शॉप से काम करा के आ चुका हूँ अभी मेरी शॉप पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी, बहुत शॉप था, सिर्फ मैं अपनी दुकान पर ही आ गया। तो मैं बताता हूँ ऊपर क्या क्या हुआ। एक तो मिरर साइट हो गए, इसके मिरर बहुत लूज थे, और इसके ब्रेक टाइट हो गए, और जो इसका एक वो था नट वो भी टाइट हो गया। अब इसमें एक कमी है बस, तो इसका वायरलेस सेट चेंज होगा, जो कि बहुत आवाज़ कर रहा है, क्योंकि खाली टाइम पर ही मैं चेंज करूँगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम प्रॉब्लम पड़ती। और इसमें एक जो प्रॉब्लम आ रही है पिकअप की, जो अपने पावर ड्रॉप कर देता है, वो मैं कंपनी को कॉल करके पूछूंगी क्या प्रॉब्लम है, और उसे भी सही कराऊंगा। तो अपने शॉप पर हूँ, डैडी है, कस्टमर है, इंद्र सामान के बाद सारे जी बेल्ट सी हुई है, इंद्र सामान भी पैक करेंगे, और बबलू भाई कट्टे में डालना है। हाँ इस कट्टे में डालो, गिन के डालना है। गश भैया माल पैक कर रहे हो आप, गिन के पाँच ये वी बेल्ट्स है जो मशीन्स पे लगती हैं, वी बेल्ट्स। ये हमारे बोलू भाई हेल्दी हो, बोलू भाई हमारे ये कस्टमर साइड, इनकी फैक्ट्री है।
मशीन चलाने की। क्या हाल भाई? ठीक है। तो अब बच गया चार, तो अब हो गया घर जाने का टाइम, तो हम जल्दी अपने घर। अब चलते हैं घर के अंदर। होम स्वीट होम, मेरा रूम आ गया। जल्दी से मैं सोता हूँ बेड पर शिफ्ट अपने, और स्ट्रेचिंग करवाता हूँ लेग्स की। मिलते हैं जल्दी। फाइनली हो चुका हूँ मैं बेड पर शिफ्ट, और मैं अभी अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करवाऊँगा। घर फ्लोर स्टार्ट ही रहा है, पर कोई नहीं, मज़ा वक्त नहीं आता। मेरा प्यारा सा रूम है, सारी फोटोज, टाइम टू ट्रैवल। चलो मस्ती के लगाए हुए हैं रूम में अपने। ये मेरे बाइक राइड्स की फोटोज हैं, जब मैं बाइक राइड्स करा करता था। ये मैंने फ्रेम करके लगवाए हैं। तो फाइनली हो चुकी है मेरी लेग्स की स्ट्रेचिंग, और अब मैं अपने लेग्स पे गेटर मार रहा हूँ ताकि मैं स्टैंडिंग कर सकूँ। दिखाता हूँ मैं अभी आपको वाले लेग्स पे गेटर बांधना है ताकि मेरे घुटने ना मुड़े स्टैंडिंग के टाइम पे। और ये रहा मेरा वॉकर, इसमें मैं स्टैंडिंग करता हूँ। मैं करता हूँ स्टैंडिंग, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में।